ऐसा कुछ उत्साह, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग ही काफी शानदार हुई है, बट क्या कंटिन्यूड मोमेंटम जो है हम इस स्टॉक में भी देख सकते हैं? और क्योंकि देखिए डबल से ज्यादा रिटर्न्स तो ऑलरेडी उन आईपीओ होल्डर्स को मिल चुके हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या कैसे इसको देखें और क्या रणनीति अपनाएं इसमें? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मैं तो ये मानता हूं कि इसमें जो बेस्ट यदि रणनीति ये रहेगी कि इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाए, क्योंकि कंपनी की जो पोटेंशियल है और जो ग्रोथ है और जो स्ट्रेंथ एरियाज है, बिकॉज कंपनी ऐसे ग्रुप से है जो दे आर वेरी मच इनटू द फाइनेंस वर्ल्ड फॉर डेकेड्स, तो वो एक्सपर्टीज इनके पास है, प्लस इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, प्लस इनके पास लेवरेजिंग है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी, और हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं तो ओवर द नेक्स्ट आई वुड से 3 to 5 years ऑफ 10 years वील हैव एटलीस्ट 7-8 times ग्रोथ। सो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि इस कंपनी में जब भी मौका लगे एज अ SIP की तरह भी इसमें निवेश किया जा सकता है, स्टॉक SIP की तरह, बिकॉज दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। प्राइसेस जो है वो हमेशा जब भी किसी सेगमेंट में या किसी सेक्टर में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो प्राइसेस वोलेटाइल रहती हैं, यूफोरिया रहता है और फिर वो धीरे धीरे यूफोरिया कम होता जाता है, पर जो कंपनी स्ट्रांग रहती हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग रहती हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। तो मैं ये मानता हूं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म निवेश की तरह देखें, और जब भी कोई करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलते हैं, तो ये एक फायदे का सौदा लॉन्ग टर्म में रहेगा। लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी भी एक होल्ड आते हुए दिख रहा है। देखिए आज इस रिपोर्ट के चलते एक्शन जरूर रह सकता है, पर कल गौरांग जी भी हमें बता रहे थे कि 15-20% के ग्रोथ की उम्मीद आप सालाना कर सकते हैं, पर बशर्ते आपको फाइनेंशियल्स जो हैं ट्रैक जरूर करने होंगे।